हत्या के पीछे पीएफआई का हाथ। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पीएफआई ऐसे मूलभूत वादी विचार से प्रेरित लोग ही ऐसे इस कृत्य को किया है। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। सरकार अलर्ट, हत्या से हड़कंप। इन तीन तस्वीरों से लोगों के आक्रोश को समझा जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेत्रू की हत्या के बाद हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। हालात जब नहीं संभले तो पुलिस को लाठी भी बरसानी पड़ी। लेकिन तीसरी तस्वीर रात की है। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता हॉस्पिटल में डटे रहे। नेत्रू की हत्या के विरोध में लोगों के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा बल की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई। लेकिन विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और प्रवीण नेत्रू को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस खबर के आग की तरह फैलने के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा भी हुआ, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर के वी राजेंद्र पर अस्पताल जाने का दबाव बनाया। ऐसे में हालात को बेकाबू होता देख डीजीपी ने दक्षिण कन्नड़ जिले के एसपी को पुत्तूर में धारा 144 लागू करने का निर्देश दे दिया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बताया गया कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेत्रू वल्लारी में मौजूद अपनी दुकान को बंद करके लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। कर्नाटक प्रशासन ने प्रवीण नेत्रू की हत्या की जांच के लिए 6 पुलिस टीम बनाई है। एक टीम केरल में भी जांच कर रही है, लेकिन अब पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग हो रही है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेत्रू की हत्या की जांच एनआईए को सौंप दी जाए, साथ ही इस मामले को आतंकी हमले के एंगल से भी जांच करने की मांग की गई है। जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी जांच जारी है, एनआईए जांच पर बाद में फैसला लिया जाएगा। ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ನಾವು ಎನ್ ಐ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಎನ್ ಐಗೆ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲವು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಎನ್ ಐ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದು। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इस पूरे मामले में धार्मिक एंगल भी है। पुलिस कह रही है कि पीएफआई का हाथ है और कहा कि इसके पीछे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति भी जिम्मेदार है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पीएफआई, एसडीपीआई ऐसे जो मूलभूतवादी संगठन है, ऐसे मूलभूतवादी विचार से प्रेरित लोग ही ऐसे इस कृत्य को किया है। वहीं इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया और कहा कि कर्नाटक में बीजेवाईएम नेता का सर काटकर हत्या करना घोर निंदनीय है। पीएफआई जैसे संगठन सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, वो अपने नाकाब मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे। बड़ा सवाल है कि क्या प्रवीण नेत्रू की हत्या के पीछे गला काट गैंग का हाथ है? क्या धार्मिक वजह से प्रवीण नेत्रू की हत्या की गई? क्या सच में हत्या के पीछे पीएफआई जैसे संगठन की साजिश है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जल्द कर्नाटक पुलिस प्रशासन को ढूंढने होंगे, ताकि इस हत्या की जड़ तक पहुंचा जा सके और प्रवीण को इंसाफ दिलाया जा सके। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। दर्शकों ने एक बार फिर न्यूज 18 पर भरोसा जताया है। दर्शकों की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया बना है। न्यूज 18 पर भरोसा जताने के लिए दर्शकों का धन्यवाद।
बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। अपने बीजेपी के युवक को मार कर डाल दिए हैं, तो नेचुरली अब वहाँ के लोग, जनता भड़क गई है और उनके ऊपर पलट गई है, तो इसीलिए वहाँ पर अमन रखना, शांति रखना ये उनका काम है और बम्बई इधर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ दिल्ली से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उसी के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दिए और राज्य में अगर कम ध्यान दिए तो ऐसी ही लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने वाली है। प्रवीण नेत्रू की हत्या के बाद कर्नाटक में आक्रोश है। बड़ा सवाल ये कि क्या प्रवीण नेत्रू की हत्या सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने कन्हैयालाल की हत्या को गलत कहा था और खुलकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। BJYM के कार्यकर्ता प्रवीण नेत्रू की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है। धारदार हथियार से प्रवीण पर उस वक्त हमला हुआ जब वो घर जा रहे थे। कहा जा रहा है कि प्रवीण नेत्रू ने उदयपुर में कन्हैयालाल की बेरहमी से हुई हत्या पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, प्रवीण नेत्रू ने 29 जून के फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था जिसमें इस घटना को बर्बर बताया गया था। साथ ही इस पोस्ट में कट्टरता पर सवाल उठाए थे और सेक्युलर लोगों की चुप्पी को गलत बताया। पूछा कि आप लोग कहाँ हो, यानी प्रवीण नेत्रू कन्हैयालाल की हत्या से आहत थे इसलिए उन्होंने खुलकर लिखा, लेकिन अब उन पर खुद हमला हो गया है। तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेत्रू बल्लारी में मौजूद अपनी दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल सवार आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से कई वार किए। इससे अब हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। उनके बढ़ते विरोध के चलते पुलिस को बुधवार को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उनके समर्थक रात में भी डटे रहे। अब केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस केस को NIA के हवाले करने की मांग की है। देश में कई जगह हिंसा वाली साजिश हुई और इस साजिश में नाम आया PFI यानी इस्लामिक कट्टरपंथी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। हिंसा देश के अलग अलग राज्यों में हुई, लेकिन पुलिस की जांच में एक नाम आया PFI का। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको वो पूरी घटनाएं बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने राज्य में हुए दंगों के लिए PFI को जिम्मेदार माना। आरोप लगे कि हिंसक घटनाओं के लिए फंड जुटाया गया और प्लान भी तैयार किया गया। यूपी के कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का PFI से कनेक्शन भी सामने आया। लखनऊ में गिरफ्तारी के समय हाशमी के पास 4 संस्थाओं से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। बड़ी बात यह है कि इन 4 संस्थाओं को PFI से फंडिंग होती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जांच में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हिंसा में PFI की स्टूडेंट विंग से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है। इस संगठन के लोग बड़ी संख्या में हिंसा से पहले जहांगीरपुरी इलाके में सक्रिय भी थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई हिंसा में PFI का नाम सामने आया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया। और इधर पटना के फुलवारी शरीफ केस में PFI की खतरनाक साजिश भी सामने आई। कहा गया कि देश को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची गई। अब इस मामले में NIA जांच कर रही है।